अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास, होप यू विल बी फाइन स्टूडेंट्स। हियर इज योर बुक इंग्लिश कंपलसरी ग्रेड 9। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। स्टूडेंट्स आई हैव यू ओपन पेज नंबर 32। टुडे वी विल स्टार्ट आवर यूनिट नंबर 4, द गोल्डन टच। यूनिट नंबर 4, द गोल्डन टच। हियर स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स मीन आफ्टर रीडिंग दिस यूनिट व्हाट विल स्टूडेंट्स लर्न अबाउट दिस टॉपिक। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रीड द टेक्स्ट टू एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। मीन कि वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए जो टेक्स्ट है उसको रीड आउट कर सकेंगे। स्कैन द लेसन विद कम्प्रीहेंशन, वो तफहीम के साथ अंडरस्टैंड कर सकेंगे, लेसन को स्कैन कर सकेंगे, मीन वो उसके मेन थीम के बारे में बता सकेंगे। इंक्रीज देयर वोकैबुलरी, उनकी जो वोकैबुलरी है वो भी इंक्रीज़ होगी। टेल न्यू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, वो नए वर्ड्स नए अल्फाज और उनके मानी बताने के काबिल होंगे। टेल डैट ग्रीड इज़ अ कर्स, वो ग्रीड इज़ अ कर्स के बारे में बात कर सकते हैं, बता सकते हैं कि लालच एक बुरी बला है। चेंज एक्टिव एंड पैसिव वाइज, इसमें वो एक्टिव और पैसिव का इस्तेमाल भी सीखेंगे। नो स्टूडेंट्स कम ऑन पेज नंबर 33। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक द गोल्डन टच। स्टूडेंट्स पेज नंबर 33 की रीडिंग है हमारा आज का टॉपिक। मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट स्टोरीज वर फर्स्ट टोल्ड लॉन्ग एगो बाय द ग्रीक्स। मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट स्टोरी, मैनी मीन बहुत सारी, ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट स्टोरीज, दुनिया की बहुत सारी अच्छी कहानियाँ, वर फर्स्ट टोल्ड लॉन्ग एगो, जो कि सुनाए गए सबसे पहले बाय द ग्रीक्स, यूनानियों ने। इसमें मैं आपको इसके वर्ड्स के मीनिंग भी साथ साथ बताती जाऊंगी और फिर हम इसको सेंटेंस वाइज ट्रांसलेट भी करेंगे। दुनिया की बहुत सी बेहतरीन कहानियाँ सबसे पहले यूनानियों ने सुनाई। दे यूज़ टू टेल स्टोरीज, उनकी आदत थी या वो सुनाते थे कहानियाँ, ऑफ गॉड्स, देवताओं की, एंड गॉडेसेस, और देवियों की। स्ट्रॉन्ग, जो कि मजबूत होते, वाइज, अक्लमंद, एंड ब्यूटीफुल, और खूबसूरत। उनकी उनकी रवायत क्या थी या वो क्या करते थे, वो अक्सर अक्लमंद और खूबसूरत और मजबूत देवी और देवताओं की कहानियाँ सुनाते थे। हु समटाइम्स केम टू दी अर्थ, जो कि बाज़ुकात ऐसे होता कि वो दुनिया में आ जाते, एंड मिक्स्ड विद द पीपल देयर, और वहाँ के रहने वाले लोगों के साथ घुल मिल जाते। समटाइम्स दे हेल्प द पीपल ऑफ द अर्थ, बाज़ुकात वो दुनिया के लोगों की मदद करते। हेल्प मीन मदद करना, द पीपल ऑफ द अर्थ, दुनिया में रहने वाले लोगों की। समटाइम्स दे रिवॉर्डेड देम फॉर गुड डीड्स, गुड डीड होता है अच्छे करना में, एंड रिवॉर्डेड होता है कि इनाम देना। बाज़ुकात वो क्या करते, लोगों को उनके अच्छे कारनामों पर इनाम देते। और पनिश्ड, पनिश्ड होता है सजा देना, देम फॉर ईवल, ईवल मीन बुराई या बुरे कामों के लिए, और उन्हें बुरे कामों के लिए या बुराई करने पर उन्हें सजा देते। समटाइम्स बाज़ुकात दे प्लेड ट्रिक ऑन फुलिश पीपल टू टीच देम अ लेसन, एज इन द स्टोरी ऑफ किंग मेजास। और बाज़ुकात वो क्या करते, प्लेड ट्रिक, वो कोई ना कोई चाल चलते, कोई ना कोई तरकीब आजमाते, ऑन फुलिश पीपल, बेवकूफ़ लोगों पे, टू टीच देम अ लेसन, उन्हें कोई भी सबक सिखाने के लिए। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि बाज़ुकात क्या होता, वो बेवकूफ़ लोगों को सबक सिखाने के लिए इनके साथ चलाकी करते या कोई तरकीब चलते, जैसे कि बादशाह मेदास की कहानी में है। पैराग्राफ नंबर 2 है हमारे पास, किंग मेदास लव्ड गोल्ड, बादशाह मेदास को प्यार था, मोर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में किसी भी चीज़ से ज़्यादा उसे गोल्ड से प्यार था। बादशाह मेदास को दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना पसंद था। हिज ग्रेटेस्ट प्लेयर, ग्रेटेस्ट होता है कि सबसे बड़ी या सबसे अजीम प्लेयर, खुशी, वॉज काउंटिंग इट, गिनने में थी, उसकी सबसे बड़ी खुशी उसे गिनने में थी, उसे किसी सोने को गिनने में थी। वन डे ही वॉज विजिटेड बाई बैकस, प्रोनाउंस्ड बैकस, वन ऑफ द ग्रीक गॉड्स, एक दिन इसके पास एक यूनानी देवता बैकस आया। मेदास हैड वंस हेल्प्ड बैकस, एंड इन रिटर्न बैकस ऑफर्ड हिम अ गिफ्ट, मेदास ने एक मरतबा बैकस की मदद की थी, बदले में बैकस ने इसे एक तोहफा पेश किया। वट कैन आई गिव यू, बैकस ने बोला कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। ही सेड, उसने कहा, डैट वुड ब्रिंग यू हैप्पीनेस, जो तुम्हारे लिए खुशी का बायस बने। मीन मेदास ने एक बार उस बैकस की मदद की जो कि उनका देवता था, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, एक तोहफा देना चाहता हूँ,
तुम मुझे कोई ऐसी चीज़ बताओ जो तुम लेना चाहते हो जो तुम्हें खुशी दे सके। मेदास थॉट फॉर अ मोमेंट एंड देन डिसाइडेड। थॉट होते सोचना, मोमेंट किसी भी छोटे से लम्हे के लिए, एंड देन डिसाइडेड और फैसला कर लेना। मेदास ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर उसने फैसला किया। लेट एवरी थिंग आई टच बी टर्न्ड इनटू गोल्ड ही आस्क्ड। उसने कहा या पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है मैं जिस चीज़ को छूँ, लेट एवरी थिंग हर चीज़ क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं जिस चीज़ को छूँ बी टर्न इंटू गोल्ड, वो सोने में तब्दील हो जाए। बेकस लाफ्ड लाउड एंड लॉन्ग। लाफ्ड उधर हंसना, लाउड ऊंची आवाज़ में, एंड लॉन्ग ज़्यादा देर तक। वेन ही हर्ड मीन सुनना, दिस बट ही एग्रीड जब उसने ये सुना, बट ही एग्रीड लेकिन वो रसामंद हो गया। बेकस जोर से देर तक हंसा जब इसने ये सुना, लेकिन वो मान गया। ही टोल्ड मिडास डैट एज सुन एज द सन रोज द नेक्स्ट मॉर्निंग। उसने मिडास को बताया कि जैसे ही अगली सुबह सूरज निकलेगा, ही वुड हैव द गोल्डन टच, उसके पास सुनहरा लम्स मौजूद होगा। When Midas woke up the next day, he found that Bacchus had kept his word. अगली सुबह जब मिडास बेदार हुआ तो इसे पता चला कि बेकस ने अपना वादा पूरा कर दिया है। कैप्ट हिज वर्ड मीन उसने अपना प्रॉमिस कंप्लीट कर दिया है, पूरा कर दिया है। द फर्स्ट थॉट दैट केम टू हिम वाज दैट द बेड क्लॉथ्स मीन कि जो उसके बिस्तर की चादरें थी, सीम्ड हैवियर ज़्यादा वजनी, एंड मच लेस सॉफ्ट और वो कम नरम थे दैन यूजुअल होता है मामूल के मुताबिक। सबसे पहली सोच जो इसके जहन में आई वो ये थी कि इसके बिस्तर की चादरें मामूल से कम नरम और ज़्यादा वजनी लगती थी। लुक एट देम उनकी तरफ देखते हुए ही रियलाइज डैट दे हैड टर्न इनटू गोल्ड कि वो सोने में तब्दील, उनको देखते हुए उसे रियलाइज में एहसास हुआ कि वो सोने में तब्दील हो चुकी हैं। सो हैड हिज पिलोज उसी तरह से उसके जो तकिए थे वो भी। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड, स्ट्रेच होता है फैलाना, उसने अपने हाथ को फैलाया। एंड टच द बेड पोस्ट और उसने अपने चारपाई के पायों को छुआ। बेड पोस्ट होता है जो चारपाई के चारों तरफ पे पाए होते हैं, उन्हें छुआ। दे टू इमीडिएटली बिकेम पिलर्स ऑफ सॉलिड गोल्ड, वो भी फौरन ठोस सोने के सतून बन गए। ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड विद अ ग्लैड क्राई। ग्लैड क्राई होता है कि खुशी से चीखते हुए जम्प्ड आउट, उसने छलांग लगाई। वो खुशी से चीख कर छलांग लगाकर बिस्तर से बाहर निकला। ही हैड बीन गिवन दी गोल्डन टच, उसे सुनहरा लैम्स दे दिया गया था। ओके जी, क्लास 9 ये हमारा आज का टॉपिक था। इसमें हमने पेज नंबर 33 की रीडिंग कंप्लीट करनी है। इसको आप दोबारा 2 से 3 बार सुनेंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और इसको आपने लर्न भी लाजमी करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।